अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज है ईद का पहला दिन, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी अम्मी की कब्र पे, चारों बहन भाई। तो कब्रिस्तान हम पहुंच चुके हैं और हमने फूल भी ले लिए हैं। वहां पे हम मतलब नानों की भी कब्र है, अंकल की भी है, कज़न की भी है, नाना अबू की भी है और नानों की भी है वहीं पे, मामू की, सबकी कब्रें वहीं पे हैं जिस तरफ हम जा रहे हैं। बाकी जो दादा अबू की है वो दूसरी साइड पे है। बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा कीचड़ भी है। बाकी कोई बात नहीं, देखिए कितने लोग आए हुए हैं, सबकी कपड़ों पर फूल पड़े हुए हैं। आखिर हम दुनिया में जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन जो सुकून लेने के लिए, लेकिन जो आप जो सुकून है वो सिर्फ यही है आखिरी कब्र के अंदर। बाकी हम लोग आ चुके हैं, ये है नानू की, अंकल की, कजन की, मामा की, मंजिल तो तेरी यही थी, बस आते आते जिंदगी गुजर गई। ये है मामा की कब्र जिसपे सिस्टर फूल डाल रही है और वो साथ में ही नानू की है। ये मामू की कब्र, और सॉरी अंकल की, मामू की नहीं, मामू की इस तरफ, और ये मामा की। खैर जिंदगी है, गुजारनी तो पड़ती है। भी कभी ऐसे त्यौहार आते हैं तो मुझे अपनी मामा की बहुत याद आती है, बहुत कमी महसूस होती है उनकी। अल्लाह मेरी मम्मी को हमेशा ठंडी हवाओं में रखे, जन्नत में आला मुकाम दे और वह हमेशा खुश रहें, इनको कभी कोई परेशानी ना हो। आप सब लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।